आज के युवा वर्ग को नशे से दूर करने व खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए कालका स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में छत्रपति शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य पर वार्ड मराठा एसोसिएशन द्वारा वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल व चंडीगढ़ से आई टीमों ने भाग लिया। इस खेल आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के कांग्रेस महासचिव सतविंदर राणा ने शिरकत की। इस बारे में जानकारी देते हुए सतविंदर राणा ने बताया कि इस तरह की खेल प्रतियोगिता युवा वर्ग को खेलों की तरफ आकर्षित करती है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वे खुद एक खिलाड़ी हैं तथा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हुड्डा सरकार ने कोष के खजाने खोल रखे हैं। कि हम यहाँ पे कॉलेज के अंदर ये जो ग्राउंड है सामने, 23 मार्च को मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने खेलों की तरफ जो आज सारे देश नहीं संसार के अंदर उनका एक नाम है कि उन्होंने खेलों को बहुत बढ़ावा दिया है और खेलों के माध्यम से अच्छी अच्छी नौकरियाँ भी हमारे युवकों ने ली है, तो उसी के तहत हम यहाँ इसको स्टेडियम बनाएंगे और यहाँ पे इंडोर स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं, मांग करेंगे। और ये जो है मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे हम जो हमारी युवा पीढ़ी है जिनका पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उनका जो है प्रोत्साहन हो और उनका जो है इससे एक भाईचारा प्रेम बढ़ता है, उसकी तरफ हम पूरा ध्यान रखेंगे। वहीं हिमाचल की टीम के कोच जगीर सिंह रंधावा ने युवा वर्ग को नशे से दूर रहने व खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की बात कही। आजकल जो युग है, स्पोर्ट्स का युग है, हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली नशेड़ी हो रहे हैं। जो आदमी स्पोर्ट्स में अगर जिंदगी का लुत्फ लेना है तो स्पोर्ट्स करके देखो, और जिसने स्पोर्ट्स में कर ली है उसका जो जिंदगी है, लाइफ है, बड़ी बढ़िया तरीके से निकलती है। ना उसको कोई बीमारी लगती है, ना ही उसको कोई ऐसा बीड़ी का कोई अमल का चस्का पड़ता है। और जिसकी सेहत बनती है, जिसकी सेहत अच्छी है, तो उसका नेचुरली दिमाग अच्छा होगा, वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ बच्चों को, पढ़ो भी मगर स्पोर्ट्स के ओर ज़्यादा ध्यान दो। एक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उसके लिए नौकरी के लिए लाइन लगती है, मगर एक स्पोर्ट्स में अच्छा है उसके लिए आपकी कोई लाइन लगती है, उसको रैंक मिलता है, या तो DSP लेते हैं, इंस्पेक्टर लेते हैं। तो मैं यही कहता हूँ ज़्यादा ज़्यादा स्पोर्ट्स में ध्यान दें और स्पोर्ट्स करें। वार्ड मराठा एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुभाष ने बताया कि हिमाचल से आई टीम इस मैच में विजय रही है। वह वास्तव में ये टीम उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम है जो आगे केरल में पेटिशियन क्लब में खेलने जा रही है। की टीम और एक चंडीगढ़ की टीम, ये दो टीमों ने एक 100 मैच का आयोजन था। हिमाचल प्रदेश इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर भारत की ये एकमात्र टीम है और ये टीम सिलेक्टेड टीम है जो फेडरेशन कप खेलने के लिए केरला आज ही रवाना होगी। आज स्टेशन से 4:30 बजे केरला के लिए टीम जाएगी। इस दौरान मुख्य अतिथि ने विजय टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया व क्लब को 21,000 रुपए देने की घोषणा की। वहीं मराठा एसोसिएशन ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।